Hello dear students, now I am going to start class 3rd mathematics Prachi publication. It is chapter number 8, exercise 8.4. In exercise 8.4, the topic is subtract. Total 7 questions are there, 6 normal question and 1 word problem. Let's see the solution of question number 1. We have to subtract 42.50 from 56.00. सब्ट्रैक्शन करने के लिए पहले हमें अरेंज करना होगा डेसिमल को. डेसिमल अरेंज करने का सिंपल सा रूल होता है कि पहले हम दोनों नंबर के डेसिमल अप्लाई करेंगे. फ्रॉम वाला नंबर हमें पहले लिखना है, यानी 56.00 हमें पहले लिखनी है. तो हम ऊपर लिखेंगे 56.00. यहाँ पहले डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो डिजिट दिए हैं 00 ये लिख लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट्स हैं 6 एंड 5. नेक्स्ट नंबर है हमारा 42.50, राइट हैंड साइड पे है 5 एंड 0, लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 एंड 4. इस तरह से आपको ये नंबर अरेंज करने हैं. अरेंज करने के बाद नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसा हम यूजुअली करते हैं. 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल. बोरो वन लेने के बाद 6 के पास रिमेन है 5. 0 अब बन गया है 10. 10 माइनस 5 5 डेसिमल. 5 माइनस 2 3. 5 माइनस 4 1. इस तरह से आपको ये सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ. सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है ₹79.25 फ्रॉम 81.75. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम इसी मेथड से जैसा मैंने अभी आपको बताया, वही वाली प्रोसेस हमें यूज करनी है. फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखेंगे, पहले दोनों नंबर का डेसिमल लगा लेते हैं. डेसिमल के राइट हैंड साइड पे हमारे पास 75 और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 18. डेसिमल के राइट हैंड साइड पे है हमारे पास 25 और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 97 रुपीस. अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5 डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल, 1 माइनस 9 नॉट पॉसिबल. बोरो वन लिया, 8 के पास रिमेन हुआ 7 और 1 अब बन चुका है 11. 11 में से 9 माइनस किया 2. 7 माइनस 7 0. इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है ₹2.50. इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है ₹58.40 एंड ₹90.25. क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है. डेसिमल पहले हमने लगा लिया, राइट हैंड साइड के नंबर लिखे, लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स, राइट हैंड साइड डिजिट्स, लेफ्ट हैंड साइड डिजिट्स, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जिस तरह से हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं. 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 4 नॉट पॉसिबल. बोरो लेने के लिए 0 है, 0 से 1 बोरो नहीं ले सकते, तो हमने 9 से 1 बोरो लिया. 9 के पास रिमेन 8. 10 ने 1 बोरो दिया, 10 के पास रिमेन 9. इस तरह से अब हम 12 माइनस 4 करेंगे, हमें मिलता है 8. डेसिमल 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 5 3. इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का सॉल्यूशन बताया है, सेम यही प्रोसेस यूज करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इजीली अपनी CW में सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको क्वेश्चंस एक बार दिखा देती हूँ ताकि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन यहाँ से देख के कर सकें. क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट ₹114.50 फ्रॉम ₹525.65. क्वेश्चन नंबर 5 है, सब्ट्रैक्ट ₹440.00 फ्रॉम ₹475.25. और क्वेश्चन नंबर 6 है, ₹237.25 फ्रॉम ₹413.515. इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अपनी CW में सॉल्व करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपकी वर्ड प्रॉब्लम है. मैं पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के इसका हिंदी मीनिंग समझा देती हूँ.
योगेश अर्न रुपीज 3575, ही पेड रुपीज 825 एज रेंट, रुपीज 12.50 1250.50 फॉर राशन एंड रुपीज 510.75 फॉर ट्यूशन फीस ऑफ हिज सन. हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम आफ्टर दिस एक्सपेंडिचर्स. योगेश ने अर्न किया था 3575 रुपीज, उसने रेंट में पैसे दिए, राशन में पैसे दिए, ट्यूशन फीस में पैसे दिए, तो फाइनली अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं ये हमें बताने हैं. तो पहले हम टोटल फाइंड कर लेते हैं. पहले हम रेंट, राशन और ट्यूशन फीस का टोटल फाइंड करेंगे, उसके बाद इसे हम 3575 में से सबट्रैक्ट करेंगे, तब हमें क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर मिलेगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए हम रेंट, राशन और ट्यूशन फीस का एडिशन करेंगे. एडिशन करने पे हमें मिल रहा है 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 5 12, कैरी ऑन 1, डेसिमल के प्लेस पे डेसिमल, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, कैरी ऑन 1, 1 प्लस 1 2. यानी उसका जो टोटल खर्च है मंथ का वो है योगेश का 2586.25 रुपीस. अब हमें उसके पास कितना सेविंग बचा है वो फाइंड करना है. तो हमें जो टोटल इनकम उसका गिवन था, योगेश की जो इनकम गिवन है 3575 के बाद कुछ वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ 0 रख लेते हैं. और जो टोटल यहाँ पर हमने फाइंड किया है सभी चीज़ों का 2586.25 ये हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लास्ट में उसके पास कितनी पैसे बचे हैं. सबट्रैक्ट किया, 0 में से 5 सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमें बोरो लेना है. 5 से 1 बोरो लेंगे, यहाँ हुआ 10, 5 के पास रिमेन 4, 10 ने 1 बोरो दिया, 10 के पास रिमेन 9, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, डेसिमल के प्लेस पर डेसिमल यूज करेंगे. 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, बोरो किया 1, यहाँ रिमेन 6, 14 माइनस 6 8, 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, बोरो 1, 5 के पास रिमेन 4, 16 माइनस 8 8, 4 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, बोरो 1, 3 के पास रिमेन 2, 14 माइनस 5 9 एंड 2 माइनस 2 0. इस तरह से हमें पता चल रहा है कि लास्ट में योगेश के पास कितनी मनी लेफ्ट है, 988.75. हैंस वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हमें आंसर हैंस करके लिखना है. हैंस रुपीज 988.75 आर लेफ्ट विथ योगेश. इस तरह से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होती है. आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन.